आज यहाँ पर NDMC कन्वेंशन सेंटर में जो 134वीं अंबेडकर जी की जयंती मनाई जा रही है, तो आज इतना शुभ दिन है डॉक्टर कत्याल जी, विनोद कत्याल जी, तो आइए इन्हीं से बात करते हैं। मेरा बड़ा सौभाग्य है जी के जो इन्होंने इवेंट्स रखा है 134वां बाबा जी के जन्म दिवस का, उसमें मुझे यहाँ शिरकत के लिए बुलाया गया और ऑनर के लिए भी बुलाया गया। मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और आप जैसे मीडिया वाले जो हमारे भाई बहन हैं, जो हमें इतना मान सम्मान देते हैं, इज्जत मान देते हैं, हमारी कवरेज को बहुत दूर दूर तक पहुँचाते हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप खुश रहो, ये आप लोगों की दुआएँ, हमारे माँ बाप का आशीर्वाद है, प्रभु की कृपा है। बस ऐसे ही आप हमारे से प्यार बनाए रखें, इज्जत मान बनाए रखें, और हमारी भी आपके लिए बहुत बहुत दुआएँ हैं। आप ऐसे ही ज़िंदगी में खूब कामयाब हो, सेहत बख्शे भगवान, आपका नाम यशमान बना रहे, मेरी बहुत दुआएं आपके लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आज बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के 134वें जन्मदिन पर हम लोग इकट्ठा हुए हैं, और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी का हर वर्ष भारतीय बौद्ध संघ जन्मदिन मनाता है, और आज हम लोग NDMC सभागार में रखे हैं, जिसमें 134 लोगों को सम्मानित भी किया जाएगा, जो डॉक्टर, इंजीनियर, JEE अध्यापक, और ख़ासकर उन महिलाओं को भी सम्मानित किया जा रहा है जो लोगों के घरों में जूठा बर्तन करके और अपने बच्चों को पढ़ा रही हैं, उनको भी सम्मानित किया जा रहा है। सफाई कर्मी को सम्मानित किया जा रहा है, गरीब महिलाओं को भी सम्मानित आज किया जा रहा है, और आज ऐसे लोग जो छोटे से छोटा काम करते हैं उनको भी सम्मानित किया जा रहा है। तो सर, और क्या हमारे दर्शकों को मैसेज देना चाहिए? मैं यही कहूँगा कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर संविधान निर्माता थे, और ये केवल दलितों को नहीं थे, पूरे भारत को नहीं, विश्व के एक महान विभूति थे, जिनको देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 5 तीर्थ स्थान बना करके पूरे भारत को नहीं, दुनिया को एक रोशनी दिया है। नमस्कार, मैं भावना शर्मा और आप देख रहे हैं VDF न्यूज 28। आज हम खड़े हैं NDMC कन्वेंशन सेंटर में, और यहाँ पर बाबा अंबेडकर जी की 134वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है, तो आइए बात करते हैं इसी सिलसिले में। तो सर, आपका नाम और परिचय बताइए। मेरा सुरेंद्र प्रसाद उनियाल जी, और मैं उत्तराखंड का रहने वाला हूँ, उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट से, और मैं भारतीय नमो संघ में राष्ट्रीय मंत्री हूँ, साईं बाबा ट्रस्ट में मेंबर हूँ। और मुझे बड़ा खुशी का वो महसूस हो रहा है कि मुझे यहाँ पे बुलाया गया। मैं बड़ा भाग्यशाली हूँ कि मुझे बाबा अम्बेडकर जी के उसमें, मैं उनका भी धन्यवाद देना चाहता हूँ जिन्होंने मुझे यहाँ पे बुलाया, ऋचा जी ने, और आप मीडिया बंदों का सबसे बड़ा योगदान है इस चीज़ को आगे बढ़ाने में। और मैं इससे ज़्यादा कुछ कह नहीं सकता, क्योंकि बाबा अम्बेडकर जी जो देश के लिए किया वो कोई कर भी नहीं सकता है, ना कोई कर पाएगा। और मैं यही चाहूँगा कि आप जैसी बहनें और माताएं सब इस देश को इतने आगे तक लेके जाएं कि हमारा देश वहाँ जाए जहाँ तक पहुँच नहीं पाए, उस मंजिल को छुए। और मोदी जी सर, उत्तराखंड में आप क्या करते हैं और आपकी डेजिग्नेशन क्या है? मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा तो नहीं हूँ, ठीक है, मेरे होटल्स भी हैं काफ़ी, और बिजनेसमैन भी हूँ, पॉलिटिशियन भी हूँ। भाई ये कि वर्किंग बहुत ज़्यादा करते रहता, कोरोना टाइम भी बहुत ज़्यादा वर्क किया मैंने, मैं हो गया, सोनू सूद जी हो गया, एक उमेश कुमार जी हमारे, मोहम्मद शामी जी हो गए, काफ़ी वर्क किया, करते भी रहते हैं आगे, संगठनों में काफ़ी संगठनों में जुड़े भी हैं। और हम यही चाहते हैं कि लोगों के लिए जितना कर सके, जितना हम करें, और कोई ऐसा ना रहे कि कोई बहन हो, हम कभी अभी बहनों की शादी भी करी है बीच में, हम यही वर्क करते रहते हैं, लोगों की हेल्पिंग जितना कर सके, भाई यही मेरा उद्देश्य है।